Hey guys, good morning and welcome back to my channel, Our Beautiful Life Journey. अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। पहले मैं रोहित के लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ये हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं। आज हस्बैंड ने वाटर राइस और उसके साथ बैगन और टमाटर की चोखा होता है ना, वो बना दिया था, वो खा के वो ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं जो ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, रोहित वो भी खाएगा थोड़ा सा, और अच्छे से नहीं खाता है, इसलिए मैं उसके लिए अलग से भी ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए सूजी का हलवा बना रहा हूँ। रोहित को मैंने सुबह एक गिलास दूध पिला दिया था, वो दूध पी के खेल रहा था। अभी मेरा नहाना, पूजा करना और कपड़े धोना सब कुछ हो गया है। अभी बस हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊंगी। ये गाइस, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ तो रोहित आके जिद करने लग गया कि वो उसको भी खाना बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोहित को बिठा दिया हूँ अपने पास किचन स्लैब के ऊपर। और यहाँ पे मैं हलवा में इलायची कूट के डाल रही थी, तो रोहित ने वो जिद करने लग गया कि उसको भी कूटना है, इसलिए मैं उसको बादाम दे दिया हूँ, आलमंड तो एक आलमंड दे दिया हूँ, वो कूट रहा है। साथ साथ यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो बन के रेडी हो गया है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। रोहित आजकल बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया है, मतलब इन बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत ही स्वीट सा। ये हलवा जो है सूजी का हलवा बनाया मैंने, ये अच्छे से बन गया है। ये थोड़ा सा खाएगा, एक दो चम्मच खाएगा, अच्छे से नहीं खाता है। बनाया हूँ आप ये एक बादाम ऐसे कूट दिया, बादाम में कूटा है, ये देखिए पूरा बादाम कूट दिया था। चलिए फिर इसको ठंडा करके वो दो चम्मच खाएगा, मैं भी थोड़ा सा ठंडा ले ठंडा हो जाएगा फिर हम लोग खाएंगे। ठंडा हो जाएगा फिर हम लोग खाएंगे, फिर मैं बोल दूँ आपको लंच बनाने के टाइम। ठीक है गाइस, गाइस यहाँ पे देखिए रोहित कितना फनी सा डांस कर रहा है। वो भगवान जी के पास से अगरबत्ती का पैकेट लेके आ गया है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी प्रसाद ले आता है तो कभी दिया बुझा देता है फूंक मार के, कभी कुछ ना कुछ वो करता रहता है। तो आज वो अगरबत्ती का पैकेट लेके आ गया और मैंने उसको रखने के लिए बोला तो ऐसे डांस कर रहा है। खाना वो खा लेता है लेकिन उससे पहले मतलब बैठने के के लिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब तक परेशान कर देता है, इधर उधर भाग जाता है। अभी बच्चा है ना तो उसको समझ में नहीं आया है, तो वो खाना खाता है बैठ के खाता है,
लेकिन उससे पहले उसको थोड़ा मनाना पड़ता है। जब वो छोटा था तो आराम से बैठ के एक जगह पे खिलौना विलौना दे दो तो लेके बैठ के खाता था, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, एक्टिव हो गया है, तो वो एक जगह पे नहीं बैठता है। उसको कभी ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ, उसको आराम से मना के अच्छे से बिठा के खिलाती हूँ। यहाँ पे मेरा और रोहित का ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। कल प्रथमाष्टमी है उड़ीसा में, हम लोग एक फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं डोसा का मतलब डोसा बनाऊंगी कल। उसके लिए यहाँ पे चावल और उड़द दाल जो होता है ना, उसको अभी मैं अच्छे से वॉश करके क्लीन करके उसको भिगो दूंगी। डोसा बनाने से पहले डोसा का बैटर को 6 घंटे या फिर उससे ज़्यादा सोक करना चाहिए, वही मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। और यहाँ पे कल मैं बनाऊँगी येलो पीस की करी, उड़ीसा में इसको घुगनी बोला जाता है, तो वो मैं बनाऊँगी। ये दोनों मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। अभी मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी, उसके लिए यहाँ पे मैं दाल जो है तूर दाल ले रहा हूँ, और खूब सारे सब्जियाँ डाल के आज मैं बनाऊँगी डालमा, जिसको आप भेज दाल भी बोल सकते हो। भेज दाल बनाने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं कद्दू, आलू, बैंगन, बीन्स, टमाटर, इतना ही सब्जी मेरे पास था तो मैं यही ले रहा हूँ। उसको अच्छे से अभी चॉप कर दूँगी, मतलब बड़ा बड़ा साइज़ का कट कर लूँगी, और उसके साथ तूर दाल धो के अच्छे से क्लीन करके उसको कुकर में 1 सीटी लगाना है, और उसके बाद उसको सिंपल सा तड़का लगाना है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बनाऊँगी बीन्स और आलू की भाजी, और यही है आज का सिंपल सा लंच, तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं रोहित को नहलाऊँगी, यही जो डे टू डे जो काम है वही मैं कर रहा हूँ। रोहित जो है वो बाहर खेल रहा है अपनी साइकिल लेके, और हमारी पड़ोस में जो बच्चे हैं अभी ऊपर में 3 बच्चे आए हुए उन लोगों के साथ वो भी खेलता रहता है, कभी कभी वो ऊपर भी चला जाता है उन लोगों के साथ खेलने के लिए। तो बस मैं बीच बीच में जाके उसको आवाज़ लगा देता हूँ ताकि वो ठीक ठाक है या नहीं। तो अकेले यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो बच्चे को भी देखना है और साथ साथ काम भी करना है, तो उसको अगर ध्यान ना दूँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। हे गाइस, आज लंच में मैं बना रही हूँ फेस दाल, उसमें सारे सब्जियाँ मिला के तूर दाल डाल के उसको कुकर में बस 1 सीटी लगाना है, उसके बाद उसको तड़का लगाना है, यही है। और उसके साथ सिंपल सा बीन्स आलू की भाजी बना दूंगी, और उसके साथ चावल, यही है आज का हमारा लंच। ठीक है गाइस, रोहित बाहर खेल रहा है, बीच बीच में आके मेरे से वो पानी पीना होता है, सुस्त करना होता है, तो वो बोल देता है, मैं उसको जाके करवा देती हूँ, यही है। तो वो खाना अपने हाथ से नहीं सीखा है खाना, तो उसको मैं खिला देती हूँ। तो हमारा खाना पहले हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि वो हमारा खाना थोड़ा थोड़ा खाने सीख जाए, अभी तक वो हमारा खाना पूरा मतलब पूरी तरह से खाना नहीं सीखा है, इसलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट करवाता हूँ, सुबह सुबह उसको बस थोड़ा सा दूध पिला देता हूँ। यही है हम लोग का लाइफ स्टाइल, जैसा है डे टू डे लाइफ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले लंच बना लेते हैं। ये जो कुकर है मेरा, ये हॉकिंग्स का कुकर है, ये मेरे शादी के टाइम से है, शादी को हम लोग को 3.5 साल होने वाला है, तो ये 3.5 साल से ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी पुराना हो गया है लेकिन ठीक ठाक काम जो है वो ठीक ठाक कर रहा है। यहाँ पे मैं हल्दी और नमक दे के दाल सब्जी को अच्छे से धो के कुकर में डाल दिया हूँ, 1 सीटी लगाना है बस। और यहाँ पे चावल जो है हमारा बन के रेडी हो गया है,
मैं ऐसे चावल को ऐसे पानी निचोड़ने के लिए ऐसे रख देता हूँ क्लिप लगा के, और उसके बाद पानी जैसे निकलने के बाद उसको लाके ऐसे, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, करके उसको बस 2 मिनट के लिए ऐसे बिठा देता हूँ ताकि चावल जो वो खिला खिला सा बने। और यहाँ पे हम लोग का चावल जो हो बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं डालमा जो है उसमें तड़का लगाऊंगी। डालमा को आप लोग भेज दाल बोल सकते हो, लेकिन उड़ीसा में हम लोग डालमा बोलते हैं। तो इसमें बस सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, मस्टर्ड ऑयल और उसमें पंचफुटन जो होता है वो डाल के। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और उधर रोहित खेल रहा था बाहर, उसका एक हाथ कट गया है, देखिए यहाँ पे वो लग गया, वो पत्थर के साथ खेलता रहता है ना, ये कट गया यहाँ पे। बच्चे के साथ ऐसा होता रहता है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। हंस दो थोड़ा, ठीक है अभी अभी ठीक है, खून थोड़ा सा निकल आया ना इसलिए थोड़ा सा बस, ठीक है अच्छा। डालमा में तड़का लगाने के बाद उसमें बस थोड़ा सा धनिया पत्ता हो तो वो डाल देना, और लास्ट में भुना हुआ जीरा पाउडर जो है वो डाल देना है। बस उसके बाद डालमा जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें खूब सारे सब्जियां दाल सब होता है। तो बच्चे ऐसे सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन ये वाला अगर आप बना लो तो बच्चे सब्जियां जो है अच्छे से खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है और टेस्टी भी होता है बहुत। मैं यहाँ पे मैं बस बीन्स और आलू की भाजी बना लूँगी। हम लोग का जो लंच है और बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह से जो चावल और उड़द दाल जो है वो सोख करके रखी थी ना, वही मैं अभी ग्राइंडिंग कर लूँगी, डोसा का बैटर बना लूँगी अभी मैं, क्योंकि कल सुबह सुबह मेरे को डोसा बनाना है, इसलिए यहाँ पे मैं वही बैटर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बना के इसको रख दूँगी, और ताकि रात भर वो बाहर रहे और अच्छे से वो जो फूल जाता है ना ऐसे फ्लप्पी जैसा हो जाता है तो वो आ जाए इसमें। इसको ज़्यादा टाइम बाहर रखने से वो हो जाता है, वो खाने के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, डोसा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और टेस्टी लगता है, इसलिए इसको मैं अभी अच्छे से मतलब ये करके रख दूँगी मिक्स करके। उसमें बस बेकिंग सोडा हो तो आपके पास वो डाल देना 1/2 चम्मच, और नमक जो है वो आपके टेस्ट के अनुसार, मतलब जितना चावल आप लिए हो उसी हिसाब से आप डालना। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। ठीक है गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आटा जो है वो गूंद रहा हूँ। पहले मैं रोहित के लिए एक रोटी बनाऊँगी, और हम लोग जब डिनर करेंगे उस टाइम में रोटी बनाऊंगी। बस 3-4 रोटियां हम लोग बनती है, और राजीव मेरी हस्बैंड जो है वो चावल और रोटी मिक्स करके खाते हैं। मैं रोटी खाता हूँ और रोहित रोटी खाता है, हम दोनों बस रोटी खाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चावल चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा चावल में लंच में जो चावल बनाती हूँ वही उसी से ही थोड़ा सा रख देता हूँ तो उनका हो जाता है। यहाँ पे मैं रोहित के लिए एक रोटी बना लूँगी, और दूसरे साइड में दूध भी चढ़ा दिया हूँ, दूध गर्म हो जाए तो उसको भी डिनर करवा दूँगी। वो 8:30-9 बजे तक डिनर कर लेती है, हम लोग का तो 10 बज जाता है, तो 9:30-10 बज जाता है उसको। हम लोग इवनिंग में कुछ कुछ खा लेते हैं स्नैक्स वगैरह, तो इसलिए भूख नहीं लगता है, तो हम लोग 9:30-10 बजे तक आराम से मतलब
आराम से डिनर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पास पड़ोस में जो लोग हैं ना, वो उनका तो मतलब शाम की 7 या 8 बजे तक उनका डिनर जो है वो हो जाता है। तो सबसे लेट शायद हम लोग यहाँ पे सोते हैं रात को, लेकिन 10 बजे तक यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं। हमारे पास पड़ोस में जो लोग है वो यूपी और एक है वो आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों को जल्दी उठने की आदत है और जल्दी सोने की भी आदत है। जमा सो भी जमा सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। और हमारे सामने इसका मूल्य है 1,60,000। यहाँ पे देखिए गाइस क्या चल रहा है हमारे घर में। रोहित क्या कर रहा है, सारा खिलौना जो है उसको कैसे फैला के वो कार्टून में कैसे खेल रहा है उसके अंदर घुस के, कि पापा जो है यहाँ पे बैठ के सोनी में कौन बनेगा करोड़पति देता है ना वो देख रहे हैं। टाइमिंग देखिए 10 बज के ऊपर हो गया है और अभी तक खेल जो है वो चालू है। रोहित कितना एक्टिव है, सोते सोते उसको 11:30-12 बज जाती है, बेड पे जाके ही ऐसे धमाल मचाता रहता है। सब मैं अभी क्लीन कर लूँगी, उसका खिलौना अभी सब रख दूँगी, नहीं तो सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादा काम बढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है घर ऐसा फैला हुआ। मेरा सारा काम जो है अभी ख़त्म हो गया है, अभी मैं बस ब्रश करूँगी, उसके बाद फेस वॉश करूँगी और उसके बाद रोज़ वाटर फेस पे अप्लाई करूँगी और मेरा रूटीन जो है आज का रूटीन कंप्लीट है और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। यही है गाइस, तो अभी मैं गुड नाइट एंड टेक केयर बोल के आप लोग को यहीं पे मेरा ब्लॉग जो है एंड करता हूँ। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।